everyone. Welcome to our YouTube channel Avision Institute, Avision for Government Job. हर बार की तरह आज भी आपके लिए लेके आए हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स जो कि बेस्ड है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के ऊपर. और आज हम आपके लिए जो करंट अफेयर्स लेके आए वो है 26 फरवरी 2020 के ऊपर. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने टॉप 10 करंट अफेयर्स करने से पहले थोड़ा रिविजन करते हैं जो कि पिछले सेशन में हुआ था. तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिकैप सेशन. हमारा सबसे पहला है वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकट नायडू इनॉग्रेटेड द सेकंड एडिशन ऑफ एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस ऑन एग्री टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन. हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकट नायडू ने इनॉग्रेट किया सेकंड एडिशन जो कि था एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस, वो हुआ था एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के ऊपर. नंबर टू, हरियाणा गवर्नमेंट विल ओपन अटल किसान मजदूर कैंटीन इन ऑल मंडीज एंड सुगर माइल्स अक्रॉस द स्टेट. हरियाणा गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि वो जल्द ही खोलने जा रही है अटल किसान मजदूर कैंटीन जो कि सारी मंडीज और सुगर माइल्स में होगी स्टेट के. नंबर थ्री, द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हैज लॉन्च्ड 5G हैकथॉन इन एसोसिएशन विद गवर्नमेंट एकेडमिया एंड इंडस्ट्रियल स्टेक होल्डर्स. डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने हाल ही में लॉन्च किया है 5G हैकथॉन में जो कि वो एसोसिएट किसके साथ मिलके किए, वो किए हैं गवर्नमेंट एकेडमिया और इंडस्ट्री स्टेक होल्डर के साथ मिलके. नंबर फोर, द HRMS एम्प्लॉई मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवे फॉर इट्स एम्प्लॉय. इंडियन रेलवे ने अपने एम्प्लॉयज के लिए एक ऐप लेके आया है जिसका नाम है HRMS एम्प्लॉई मोबाइल ऐप. नंबर फिफ्थ, डॉक्टर के विजय राघवन हेड्स द 12 मेंबर टेक्नोलॉजी ग्रुप टू एडवाइज मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑन टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन. डॉक्टर के विजय राघवन को हेड बनाया गया 12 मेंबर्स का और वो ग्रुप है टेक्नोलॉजी ग्रुप का जो ग्रुप काम करेगी एडवाइजरी के रूप में जो एडवाइस देंगे मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट्स एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को इंप्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज के ऊपर. हमारा नंबर सिक्स है लेडी टेस्ले कंप्यूटर साइंटिस्ट नोन फॉर इन्वेंटिंग कट कॉपी एंड पेस्ट कमांड हैज पास अवे रिसेंटली. कंप्यूटर साइंटिस्ट जिनका नाम है लेडी टेस्लर, वो जिन्होंने इन्वेंट किया था कट कॉपी पेस्ट के कमांड को, उनका हाल ही में निधन हुआ है. नंबर सेवन, द 3D फेस्टिवल नोन एज चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल हेल्ड एट गुजरात यूनिवर्सिटी. हाल ही में हुए चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी में हुआ था कंक्लूड हुआ है. हमारा नंबर एट है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020. नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को टॉप पोजीशन पे रखा गया है. हमारा क्वेश्चन अगला है नंबर नाइन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ सुनील गुरबख्शानी एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ धनलक्ष्मी. RBI ने अपॉइंट किया है सुनील गुरबख्शानी को मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ धनलक्ष्मी बैंक का. नंबर 10, Amazon CEO जेफ बेजोर हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ अ $10 billion फंड नेम बेजोस अर्थ फंड टू कॉम्बैट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. Amazon के CEO जिनका नाम है जेफ बेजोस, उन्होंने अनाउंस किया कि वो $10 billion देंगे और उस फंड का नाम होगा बेजोस अर्थ फंड जो कि हेल्प करेगा क्लाइमेट चेंजेस से कॉम्बैट के इफेक्ट के ऊपर. तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स की तरफ. हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है इंडिया हैज साइन एन MOU फॉर अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लांटेशन स्कूल फॉर इन स्टेट वर्कर्स. यहाँ पे आपको ये बोल पूछा गया कि इंडिया ने साइन किया है एक MOU को किस लिए, कि ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि प्लांटेशन स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड किया जाए ई स्टेट वर्कर्स के लिए. तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका. इंडिया श्रीलंका के साथ MOU जिसका मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक साइन किया है जिसके तहत प्लांटेशन स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा और वो किसके लिए होगा, वो होगा इंडियन ओरिजिन के ई स्टेट वर्कर्स के लिए. इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया एक्टिंग हायर कमिश्नर मिस्टर विनोद के जोगाव और सेक्रेटरी एंड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो कि श्रीलंका के, वो है मिस्टर NHM चित्रहड़नंद और ये हुआ था कोलंबो में. हम आपको ये भी बता दें कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे सदर प्रोजेक्ट श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ कर रही है जिसमें उनका मेन फोकस है एजुकेशन सेक्टर पे. वो श्रीलंका गवर्नमेंट के साथ मिलकर एजुकेशन सेक्टर में को काफी डिपेंड करना चाहती है जिससे कि वहाँ का भी एजुकेशन सेक्टर बहुत अच्छा हो सके. तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ.
who has won the gold medal in Asian Wrestling Championship in New Delhi? यहाँ पे आपसे ये पूछा है कि Asian Wrestling Championship में जो कि New Delhi में हुआ था उसमें gold medal किसे मिला है? तो आपका सही आंसर होगा option number A जो कि रवि कुमार दाहिया. हाल ही में हुए एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2020 में इंडियन रेसलर रवि कुमार को गोल्ड मेडल मिला है और उन्होंने डिफीट किया है तजिकिस्तान के हकीम तुल्लो वहीदो को. और उन्होंने कितने रन से कितने स्कोर से डिफीट किया है तो 10-0 के स्कोर से डिफीट किया और ये खेला गया था 57 केजी कैटेगरी में. हम आपको ये भी बता दें कि रवि कुमार को सिल्वर मेडल मिल चुका है अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो कि हुआ था 2018 में. Question number 3. Which country's president visited India for the first time on 24th February? यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट फर्स्ट टाइम इंडिया विजिट कर किए हैं 24th February को. तो आपका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी जो कि यूएसए. हाल ही में यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पहुंचे 24 फरवरी 2020 में, जिन्होंने एड्रेस किया है नमस्ते ट्रंप के इवेंट को जो कि हेल्ड हुआ है गुजरात के अहमदाबाद शहर में. हम आपको ये बता दें कि अपने अराइवल में वो फर्स्ट लेडी मिलियाना ट्रंप के साथ दिल्ली पहुंची जहां पे वो ताजमहल गए. उसके बाद एक ह्यूज क्राउड को वो एड्रेस किए थे जो कि हुआ था मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में. साथ ही इसके बाद यूएस के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच में ऑफिशियल डिस्कशन होगा. उस डिस्कशन में जो इश्यूज है जैसे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, डिफेंस सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, एनर्जी सिक्योरिटी एक्सेट्रा, इन सब बातों पर डिस्कशन होगा. हम आपको यूएस के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं. तो यूएस हम सभी जानते हैं कि इसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. इसका कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी सिटी. प्रेसिडेंट तो हमने आपको बता ही दिया है. इसका करेंसी है यूनाइटेड स्टेट डॉलर. क्वेश्चन नंबर 4. विच पोर्टल ऑफ इंडियन रेलवे हैज वॉन द सिल्वर इन नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन प्रोवाइडिंग सिटीजन सेंट्रिक डिलीवरी? यहाँ पे आपसे ये पूछा गया कि इंडियन रेलवे का वो कौन सा पोर्टल है जिसे कि सिल्वर मिला है नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड में, जिसे जो एक्सीलेंस परफॉर्मेंस किया था सिटीजन सेंट्रिक डिलीवरी में. तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि रेलवे रेल मदद. इंडियन रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया ग्रीवेंसेस रिडरशिप पोर्टल जिसका नाम है रेल मदद, उसे नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड दिया गया. ये अवार्ड उन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने प्रोवाइड किया है सिटीजन सेंट्रिक डिलीवरी को एक्सीलेंट वे में. और ये अवार्ड जो कि नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड है वो कैटेगरी 2 में सिल्वर अवार्ड से नवाजा गया है रेल मदद को. अब हम आपको ये बताते हैं कि नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड देता कौन है. तो ये अवार्ड दिया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के द्वारा एनुअली, जिससे कि प्रमोट किया जाए ई गवर्नेंस इनिशिएटिव को. हम आपको रेल मदद ऐप के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे देते हैं. तो ये एक ऐप इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लाई गई है जिससे कि जो पैसेंजर है वो लॉज कर पाए कंप्लेन को या तो मोबाइल ऐप के द्वारा या वेब पोर्टल के द्वारा. साथ ही साथ वो चेक कर सकते हैं रियल टाइम फीडबैक को जो वो कंप्लेन लॉज किए उसके ऊपर भी. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5. डिफेंस मिनिस्टर लीड द फाउंडेशन ऑफ तार सेना इन विच सिटी? यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्टर ने फाउंडेशन रखा है तार सेना का कौन सी सिटी में. तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो कि न्यू दिल्ली. हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर जो कि राजनाथ सिंह है उन्होंने फाउंडेशन स्टोर रखा है तार सेना भवन का न्यू दिल्ली में. और सोल्जर को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ आर्मी के लोग और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर के लोग जब एक ही रूफ के अंडर में आएंगे तो जो इश्यूज होते हैं जैसे नेशनल सिक्योरिटी या डिफेंस से रिलेटेड इश्यूज को एक ही जगह में बैठ के सुलझाया जा सकता है और उसका इफेक्टिव रिजल्ट भी निकाला जा सकता है कि इन इश्यूज से कैसे डील किया जाए. साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये बिल्डिंग एक वैल्यूएबल रिसोर्स के रूप में काम करेगा जो कि हेल्प करेगा इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए भी. क्वेश्चन नंबर 6. हाउ मेनी मेडल्स हैव बीन वॉन बाय इंडिया एट द 2020 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप? यहाँ पे आपसे ये पूछा गया कि इंडिया ने कितने अवार्ड जीते हैं मेडल्स जीते हैं एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में जो कि 2020 में हुआ है. तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि 20. हाल ही एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि कंक्लूड हुआ है इंडिया में ही जो हुआ था इंदौर स्टेडियम में. और ये कब से कब हुआ था? ये हुआ था 18 फरवरी to 23 फरवरी तक. इसमें इंडिया ने टोटल 20 मेडल जीते जिसमें कि 5 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल एंड 9 ब्रॉन्ज मेडल है. इस मेडल के साथ इंडिया थर्ड पोजीशन पे आई है. यहाँ पे हम आपको ये भी बता दें कि चाइना को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने से मना किया गया था, रोका गया था क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से.
तो हम आपको ये भी इंफॉर्मेशन दे देते कि ये जो कंपटीशन है उसे ऑर्गेनाइज कौन करता है। तो इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया गया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा। और टॉप पोजीशन पे कौन है, तो टॉप पोजीशन पे है जापान, जो कि जीते हैं टोटल 16 मेडल्स, जिसमें 8 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंडिया तो 20 जीता है और जापान 16 जीता है, तो जापान क्यों टॉप पोजीशन पे? तो जापान इसलिए टॉप पोजीशन पे क्योंकि जापान गोल्ड मेडल ज्यादा जीता है। अब आपको ये बताना होगा कमेंट सेक्शन में कि सेकंड पोजीशन पे कौन है। क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉन द 34th कैंस ओपन इन फ्रांस ऑन फरवरी 23, 2020। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि 23 फरवरी को हुए 34th कैंस ओपन जो कि फ्रांस में हुआ था, तो वो कंपटीशन कौन जीता था? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है डी गुकेश। इंडिया के डी गुकेश ने जीता है 34th कैंस ओपन को, जो हुआ था फ्रांस में 23 अप्रैल को। उन्होंने डिफीट किया है फ्रेंच के हरित्यून बाजे घिरान को। हम आपको ये बता देते हैं कि डी गुकेश वर्ल्ड के सेकेंड यंगस्टर ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं लास्ट ईयर, और उन्होंने 50th मूव में ही इस कंपटीशन को लास्ट ईयर जीता था। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच कंट्री हैज अनाउंस द क्रिएशन ऑफ न्यू कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स नेम फूड प्लैनेट प्राइज वर्थ $1 million फॉर सॉल्यूशन टू फिट बिलियंस ऑफ पीपल। यहाँ पे आपसे ये पूछा गया कि वो कौन सा कंट्री है जो कि एक नया कैटेगरी ऑफ अवार्ड लेके आ रहा है, जिसका नाम है फूड प्लैनेट प्राइज, जिसमें $1 million प्राइज दिया जाएगा, जो कि वो सॉल्यूशन लेके आएंगे कि किस तरह से बिलियंस ऑफ पीपल को फीडिंग किया जाए। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि स्वीडन। स्वीडन ने एक नया कैटेगरी के अवार्ड को लॉन्च किया जिसका नाम है फूड प्लैनेट प्राइज। इस प्राइज के तहत जो लोग ये सॉल्यूशन लेके आएंगे कि कैसे फीडिंग किए जाए बिलियंस ऑफ पीपल को, उन्हें ये प्राइज दिया जाएगा और उस प्राइज का वर्थ होगा $1 million। यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं उसका पूरा इफेक्ट पड़ रहा है फूड सप्लाई के ऊपर, साथ ही जो पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहा है, तो ये इम्पॉसिबल हो रहा है कि इतनी ज्यादा लोगों को फीडिंग किया जाए। इसी तहत स्वीडन ने ये स्कीम को लॉन्च किया है कि कोई ना कोई सॉल्यूशन लेके आ जाए जिससे ये जो प्रॉब्लम अराइज हो रहा है उसको अवॉइड किया जाए। हम सभी जानते हैं कि एक वर्ल्ड के सर्वे के मुताबिक अभी जो करेंट पॉपुलेशन है वो है 7.8 बिलियन, जो कि 2050 तक 10 बिलियन तक पहुंच जाएगा। तो जाहिर सी बात है इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीडिंग करना एक तरह से इम्पॉसिबल है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसको कहीं ना कहीं हम पॉसिबल के फॉर्म में ला सकते हैं अगर हम अपने ईटिंग हैबिट को चेंज करें, इम्प्रूव करें फूड प्रोडक्शन को और रिड्यूस करें वेस्टेज को। क्वेश्चन नंबर 9, विच सिटी होस्टेड द 2020 फॉरेस्ट्री कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स। यहाँ पे आपसे ये पूछा गया कि कौन से सिटी ने होस्ट किया है 2020 फॉरेस्ट्री कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर के ऊपर। तो आपका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, जो कि भोपाल। हाल ही में चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश जो कि श्री कमलनाथ ने इनॉग्रेट किया फॉरेस्ट्री कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर, और ये हुआ था नोडेना एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, जो कि भोपाल में है। हम आपको ये बता देते कि ये इवेंट भोपाल में पहली बार हुआ है, और इस इवेंट में चीफ मिनिस्टर ने ये एम्फसाइज किया कि फॉरेस्ट का क्या यूज है और इसका क्या रोल होता है इकोनॉमिक के डेवलपमेंट में। और इन्होंने कुछ मेजर पॉइंट पे भी डिस्कस किया कि कैसे अगर क्लाइमेट चेंज का जो थ्रेट है उससे कैसे लड़ा जाए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले ही ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट में आग लगा था, जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे और जीव और एनिमल्स मारे गए थे। तो ये कहीं ना कहीं रीजन था क्लाइमेट चेंज का। तो उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का कोई क्लाइमेट चेंजेस होता है तो किस तरह से हम अपने फॉरेस्ट को बचाया सकते हैं। और ये उन्होंने ये भी बताया गया कि किस तरह से फॉरेस्ट एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को भी क्रिएट करता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फ्लरिशिंग इंडेक्स रिलीज बाय WHO कमीशन एंड यूनिसेफ। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि WHO कमीशन और यूनिसेफ के द्वारा रिलीज किए हुए ग्लोबल फ्लरिशिंग इंडेक्स में इंडिया का कौन सा पोजीशन है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 131। हाल ही में WHO कमीशन और यूनिसेफ ने एक रिलीज किया है रिपोर्ट को जिसका नाम है अ फ्यूचर फॉर वर्ल्ड चिल्ड्रेन। इस रिपोर्ट में ग्लोबल फ्लरिशिंग इंडेक्स को इंक्लूड किया गया है, जिसमें कि 180 कंट्रीज को एसेस किया है, जिसके तहत चाइल्ड सर्वाइवल और वेलबींग को मेजर किया गया है। इस रिपोर्ट में इंडिया 131 पोजीशन पे आई है। चलिए हम आपको इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। तो इस रिपोर्ट में ये स्टेट किया गया कि हेल्थ एंड फ्यूचर क्या है हर एक बच्चे का पूरे विश्व में।
हम ये बोल बताते कि जिस तरह क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, फिर ये जो एक्सप्लॉइटिंग मार्केट प्रैक्टिसेस हो रही है, जैसे कि ये फास्ट फूड, सर्जिकल ड्रिंक्स, एल्कोहल कंजम्पशन, टबैको, इन सब की वजह से कहीं ना कहीं बच्चों की हेल्थ के ऊपर, फ्यूचर के ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके ऊपर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट में ये भी शो किया गया है कि जो चाइल्ड है नॉर्वे के, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड नीदरलैंड के, वहाँ के बच्चों में सर्वाइवल और वेलबींग के चांसेस ज्यादा है। तो हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स यही खत्म होता है। आगे हम बढ़ते हैं स्टेट ऑफ द डे की तरफ, और आज जो हम आपके लिए स्टेट ऑफ द डे लेके आए हैं वो है उत्तराखंड। तो चलिए जानते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड का कैपिटल है देहरादून, यहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी देहरादून है। यहाँ पे टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ के गवर्नर का नाम है बेबी रानी मौर्य, चीफ मिनिस्टर का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन है 1.01 करोड़ एज पर 2012 डेटा, एंड लिटरेसी रेट है 79.63% एज पर 2011 डेटा। यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, और स्टेट एनिमल है एल्पिन मस्क डियर, स्टेट बर्ड है हिमालयन मोनाल। चलिए हम जान लेते हैं यहाँ के नेशनल पार्क के बारे में। तो यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में से कार्बेट नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क थर्ड वन, नंदा देवी नेशनल पार्क फोर्थ वन, वैली ऑफ फ्लावर्स फिफ्थ वन, गंगोत्री नेशनल पार्क। यहाँ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला है केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेक्स्ट मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थर्ड नंबर, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फोर्थ वन, बिनसाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नंबर फिफ्थ इज नंदोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ के इंपॉर्टेंट रिवर्स भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिवर है गंगा रिवर, नेक्स्ट अलकनंदा रिवर, थर्ड भागीरथी रिवर, फोर्थ काली रिवर, फिफ्थ रामगंगा रिवर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम टुडेज होमवर्क की तरफ। तो आज हम आपके लिए जो होमवर्क लेके आए हैं उसमें सबसे पहला है नेम द इंडियन इंस्टीट्यूट विच हैज टॉप द नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि उस इंस्टीट्यूट का नाम बताना है जो कि नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में टॉप किया है। और आपके ऑप्शन है नंबर वन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो कि मुंबई में है, बी IIT बॉम्बे, सी IISc बेंगलोर, डी CSIR। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर टू, विच डिपार्टमेंट हैज लॉन्च 5G हैकथॉन टू प्रमोट 5G टेक्नोलॉजी इन इंडिया। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सा डिपार्टमेंट है जो कि 5G हैकथॉन को लॉन्च किया है प्रमोट करने के लिए 5G टेक्नोलॉजी को इंडिया में। और आपके ऑप्शन है सबसे पहला डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, नेक्स्ट वन डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नंबर सी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डी डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमने आपको होमवर्क भी दे दिया। अब चलिए हम देखते हैं कि पिछले सेशन में हमने जो आपको होमवर्क दिया था वो क्या था। तो सबसे पहले हमने आपको होमवर्क दिया था हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि किसे रिसेंटली चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। तो आपका इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि विमल जुल्का। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपसे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था द टर्म की स्टार्टिंग मटेरियल रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच इंडस्ट्री। एक टर्म है जिसका नाम है की स्टार्टिंग मटेरियल, वो कौन सी इंडस्ट्री में यूज होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। चलिए हम ये भी देख लेते हैं कि किसने सही आंसर दिया है। तो सही आंसर दिया अनिकेत कुमार सिंह ने। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का सेशन यही खत्म होता है। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगे हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।